ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਮਸਤੇ ਟੂ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂਡੇ ਵੀ ਆਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ 15th August ਸਭ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਕੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹਮ ਤਿਉਹਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਰ ਸੁਬਹ ਯੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰ 15 August ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਕੋ कोरोना जैसी बीमारी का डर है इसीलिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रख रहे हैं और हम अपने आप अपना आप बचा रहे हैं ये 15 अगस्त हम अपने अपने घरों में बैठ के टीवी देख रहे हैं और अपना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलो है ना देश की सेवा करने के लिए हमारे सैनिक वहाँ पे देखेंगे हम अपने घरों में बड़े आराम से उनके अपना टाइम बिता रहे क्या हम उन देश के सैनिकों की सेवा कर सकते हैं क्या उनकी हम मदद कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं हम क्या बंदूकें लेके वहां लड़ने जाएंगे नहीं जाएंगे वो जाएंगे लड़ने क्योंकि उनको पगार मिलती है उनको पेमेंट मिलती है पर नहीं हम उनकी सेवा कर सकते हैं हम उनकी मदद कर सकते हैं हम घर में रह करके अपने प्रेयर्स में उनके लिए दुआ मांग सकते हैं कि भगवान जो सैनिक सुरक्षा के बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनको आप तंदुरुस्त रखिए ताकि वो भी किसी के बेटे हैं किसी के भाई हैं किसी के पति हैं किसी के पिता हैं हम तो सिर्फ बैठ करके अपने घर में टीवी में जब देखते हैं तो गवर्नमेंट ये नहीं कर रही गवर्नमेंट वो नहीं कर रही गवर्नमेंट ऐसा करती है हम क्या कर रहे हैं हमारा क्या फर्ज है हमें भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए तो हर व्यक्ति सैनिक है हर व्यक्ति अपने आप में एक सैनिक है आज आप अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षा कोरोना से बचाने के लिए अपने आप में आप जंग कर रहे हैं ना लेकिन आज ऑन प्लेटफॉर्म कौन है हमारे यहाँ पे सामने सैनिक आपको कौन दिख रहे हैं डॉक्टर्स नर्सेस ये सफाई कर्मचारी हैं पुलिस वाले हैं मैं उनका एक बार धन्यवाद फिर से करती हूँ मैं पूरे अपने स्टाफ स्कूल के स्टाफ की तरफ से आप सबका धन्यवाद करती हूँ और 15 अगस्त के दिन जो गाने बजाए जाते हैं देशभक्ति के मैं उन सभी लेखकों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं आप सब एक सैनिक बनकर अपने आप में अपनी सुरक्षा करिए अपने एनवायरनमेंट को देखिए अपने घर को देखिए अपने आप को बचाइए अरे कुछ नहीं होगा बाहर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा ये मत सोचिए इससे आपको भी खतरा है और आपके आस पड़ोस जो उनको भी खतरा है बच्चों पेरेंट्स सभी जो सुन रहे हैं सभी देशवासियों से ये मेरा निवेदन है आप 15 अगस्त जो आने वाली अगली 15 अगस्त होगी वो ऐसी ना होगी वो हर्षो उल्लास के साथ मनाई जाएगी तभी मनाई जाएगी जब आज हम अपना सवारेंगे तो आप सबसे निवेदन है अपने घर में रहिए सुरक्षित रहिए और किसी और को कोसने की बजाय ये वैसे नहीं कर रहा है ये वो नहीं कर रहा है ऐसे नहीं कर रहा है आप अपने आप में सुधार लाइए आप अपना योगदान दीजिए बाकी सब अच्छा हो और बच्चों से निवेदन है कि आपकी जो ऑनलाइन पढ़ाई चालू है वो आप ध्यान दीजिए टीचर जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बाकी स्पीच वगैरह देने का कोई मूड नहीं है कि बहुत कुछ आजकल हम मीडिया पे देख रहे हैं तो आप लोग मीडिया टीवी सारा दिन देखते रहते हैं तो बस यही है कि आप सबके लिए शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत बधाई घर रहिए एंजॉय करिए बी सेफ बी एट होम